दुनिया में जिस देश के पास सबसे ज्यादा और घातक हथियार है वो देश शक्तिशाली देशों की सूची में गिना जाता है। हालांकि भारत के पास भी एक से बढ़कर एक हथियार है। जो हथियार नहीं है भारत में उन्हें भारत बाहर से मंगाकर अपने जवानों को दे रहा है। अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में 11% की कमी आई है। इसके बावजूद भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बना हुआ है। बीते 5 सालों में दुनिया में जितने हथियार खरीदे गए उनमें से 11% अकेले भारत ने खरीदे हैं। सऊदी अरब 9.6% खरीद के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं इनके बाद कतर 6.4%, ऑस्ट्रेलिया 4.7% और चीन 4.7% का नंबर आता है। वैसे भारत के हथियार खरीद में कमी आई है और इसकी वजह है मेक इन इंडिया प्रोग्राम, क्योंकि भारत इस प्रोग्राम के तहत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने पर जोर दे रहा। और अगर बीते 4 से 5 सालों की बात करें तो भारत ने हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक के बाद एक बड़े और अच्छे कदम उठाए हैं, जिसमें भारत में निर्मित हथियारों के लिए अलग बजट का प्रावधान, रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करना और कई हथियारों की खरीद पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम शामिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत स्वदेशी हथियारों को बनाने पर जोर दे रहा, और अब इसका ही असर है कि इस बार के बजट में भारतीय हथियारों को खरीदने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया। तो ये रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में कहा कि साल 2018-19 में रक्षा बजट में विदेशी खरीद 46% से कम होकर 36.7% हो गई है। साल 2024-25 तक भारत में 1,75,000 करोड़ रुपए के भारतीय हथियार खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही निर्यात को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी सामने निकल कर आई कि भारत की रूस के हथियारों पर निर्भरता कम हुई है। मतलब भारत का रूस से हथियार आयात 37% तक घटा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगे, जिसके चलते रूस के हथियार निर्यात में भी कमी आई है। हालांकि दूसरी तरफ इस युद्ध के चलते यूक्रेन के हथियार खरीद में काफी तेजी आई है। साल 2022 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश रहा, जबकि 2018 से 22 के दौरान यूक्रेन दुनिया का 14वां सबसे बड़ा हथियार आयातक देश था। खैर, भारत जिस तेजी से डिफेंस सेक्टर में तहलका मचा रहा, उसके बाद ये देखना होगा कि भारत मेक इन इंडिया से आगे निकलकर अब मेड फॉर द वर्ल्ड के लिए कितना तैयार है। आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।